हेलो स्टूडेंट, CDS 2 का पेपर हो गया है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा और पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल वैसे पेपर था जैसे CDS 1 था या पहले के पेपर आ रहे थे। मैथ्स का लेवल भी कोई टफ नहीं था, GSPG था। अगर आपने NCERT की बुक से पढ़ाई की होगी तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा। और अब हम लोग, मैं प्रतीक सर, बाकी यहाँ की टीम मिलकर पूरा पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, प्रतीक सर बताएंगे GS कैसे सॉल्व करना है और कहां कहां क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, एक बार इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा कि CDS के लिए या डिफेंस अगर आपका ड्रीम है तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए, आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट 40-50 डेज में आ जाएगा, बट आपको रुकना नहीं है, अगेन CDS 1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और अभी तक हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ अब हम लोग क्लासरूम कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो पहले मैं चाहूंगा प्रतीक सर आप बताएं कि GS में पेपर का लेवल कैसा था। मैथ्स का पेपर काफी अच्छा था, बिल्कुल वैसे था जैसे अभी तक पेपर आते जा रहे थे, काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे जो मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, आप भी GS पूरा कवर करिएगा। पर अभी इन ऑल अगर आप देखें बेसिकली कि कट ऑफ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और पेपर का नेचर कैसा। सर, अगर जनरल स्टडीज के पेपर्स की बात की जाए, जिस व्यक्ति ने NCERTs को पढ़ा है, अगर मल्टीपल रीडिंग्स भी आपने NCERT की ली हैं, नोट्स वगैरह भी नहीं बनाए, तो भी उस व्यक्ति से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा समस्या या परेशानी नहीं आई होगी। बजाय उसके कि अगर आप मतलब जैसे नोट्स ले आए कहीं से, बिना कंसेप्ट को जाने, बिना कंसेप्ट में क्लैरिटी हुए, अगर आपने जैसे कुछ अगर आप सिर्फ मतलब क्रैम करके गए हैं तो फिर उस केस में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ लगेगा। अल्टीमेटली इट्स जस्ट दैट कि इफ यू हैव बीन थ्रू NCERT, क्वेश्चन पेपर वॉज ईजी, इट वॉज लाइक फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट, बट इन केस इफ यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड यू हैव जस्ट नेग्लेक्टेड NCERTs, देन यस ऑब्वियसली इट वॉज अ लिटिल बिट टफ। और आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कर रहे हो? सर, कट ऑफ्स की अगर बात की जाए तो जैसे कि अभी 4 से 5 हमारे पुराने CDSs वगैरह गए हैं, उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ्स तो लगभग 20% के आसपास जाना चाहिए, यानी कि लगभग 18 से नंबर ही मैथ्स में लगभग होना चाहिए। आई थिंक मैथ्स में 20, 20 इंग्लिश में, 20 इंग्लिश में, GS में मेरे हिसाब से क्योंकि पेपर थोड़ा सा हम कह सकते हैं मॉडरेट है, तो 2 मार्क्स या प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो सकता है कि 18-17 मार्क्स तक भी जा सकता है, ज्यादा 21 नंबर, मगर जनरली नेवल एकेडमी के लिए सर इस बार कट ऑफ जा सकता है 96 से 105 तक के बीच में, मतलब हम 95 से लेके 110 ले लें, 110 श्योर शॉट इसमें आ जाएगा। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, एयरफोर्स का कट ऑफ सर 135 to 150 के बीच में, ठीक है। और OTA की बात करें सर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कंसीडरिंग इस बार के पेपर आई गेस 66-67 से 75 के बीच में, या मतलब अगर कोई 70 प्लस है, श्योर शॉट इसका 75 प्लस है तो डेफिनेटली आपके लिए SSB का कॉल आ जाएगा। और पेपर बहुत अच्छा था, मैथ्स में मैंने बहुत कई सारे क्वेश्चन देखे कि काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और ऐसे ही अब सर आपके साथ GS के पेपर भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इम्पीटस गुरुकुल में इस बार जो न्यू बैच CDS का स्टार्ट होगा वो 23rd से स्टार्ट होगा और वो CDS 1 तक चलेगा। रेगुलर पर डे 5 to 6 आवर क्लासेस होंगी, उसमें मैथ, GS और इंग्लिश एवरी डे होगा, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी यहाँ कवर करवाया जाएगा, यानी मंडे टू सैटरडे क्लास होगी और संडे टेस्ट होगा। तो बहुत ही सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अब तक क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े थे, आप क्लासरूम कोर्स से भी जुड़ सकते हो, पिछले NDA के 2 बैचेस के रिजल्ट देखें तो न केवल अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ऐसे रिजल्ट नॉर्मली 1000, 12000, 15000 ऐसे बच्चों में आते हैं, पर हम लोगों ने बहुत कम बच्चों में एक अच्छा रिजल्ट दिया है और यही कोशिश करेंगे कि CDS में भी एक अच्छा रिजल्ट दे। प्रतीक सर, अब आप और कुछ बताना चाहेंगे पेपर के बारे में, इंग्लिश के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इंग्लिश के बारे में सर, यहाँ पे 2 चीज़ें टेस्ट हुई हैं। सबसे पहला तो आपका कंप्रहेंशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स कितना ज़्यादा फास्ट हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा जल्दी और आसानी से मतलब चीज़ों को पढ़ के जल्दी ग्रैस्प कर लेता है उसके लिए पेपर आसान था। रीज़न ये था कि पैराग्राफ्स वगैरह काफ़ी थे और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बट द ओनली कैच इन दिस एंटायर
sequence of paragraph was that they were like expecting you to read them again and again, ताकि इसमें आपका time waste हो थोड़ा सा ज़्यादा. तो जिस व्यक्ति की English reading skills अच्छी हैं और साथ ही साथ एक बार में grasp करने की capabilities रखता है, उसके लिए English का paper इतना मुश्किल नहीं था. Besides this, जिसकी command अगर आपका literature वगैरह से थोड़ा सा मतलब touch में है, आप newspaper वगैरह regular पढ़ते हैं, तो synonym antonym वगैरह भी कोई खास मुश्किल नहीं आए थे. But अगर आप मतलब फिर वही बात आ जाती है कि if you are not weak in fundamentals, the question paper was a cakewalk. In case if you have been going for here and there without going for the fundamentals, then obviously it was a little better. अच्छा एक और बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा. आप सब लोगों में से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए सीडीएस होने के बाद, अगर कोई स्टूडेंट का कट ऑफ निकल रहा है जी, तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, और कट ऑफ नहीं निकल रहा तो क्या? पहले मैं इस पे बोलना चाहूंगा, फिर मैं आपका सजेशन सुनूंगा. देखिए मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा, अगर आपका कट ऑफ निकल रहा है तो भी सीडीएस 1 के साथ साथ एसएसबी का प्रिपरेशन करना चाहिए. और एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल, आपके अंदर डिसिप्लिन. वो आपको प्रतीक सर और अच्छे से गाइड करेंगे, क्योंकि सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है एनडीए की, आपका भले ही निकल गया पर एसएसबी में रिजेक्शन रेट बहुत हाई होता है. तो ऐसे में अगर आप केवल इसके भरोसे बैठ गए हम एसएसबी के बाद सोचेंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है. आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एसएसबी अभी बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन कल के पेपर के बाद यही कि सर हमारा इतना स्कोर हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से सर दो चीजें निकल कर आती हैं, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या फिर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है. इन केस अगर आपका ऐसा लगता है कि आप इन पर्टिकुलर स्कोर्स को टच नहीं कर रहे हैं, देन टाइम वेस्ट करने की जगह 2 फरवरी को हमारा पेपर है सीडीएस 1 2020, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे. एंड इन केस इफ यू आर फीलिंग कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, देन भी आप ये कर सकते हैं कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन, तो क्योंकि एज सच कुछ होती नहीं है, आप अपने अंदर जो भी इंप्रूवमेंट लाने हैं वो करते रहें, बट साथ ही साथ आप टच ना छोड़ें, आप अगले पेपर के लिए भी थोड़ा बहुत साथ में देखते अच्छा एक और चीज, आपका कट ऑफ निकलता है नहीं निकलता तो भी जो सर ने बोला वही मैं बोलूंगा, आपको प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट करना चाहिए. और इस पेपर का जो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देंगे वो बहुत ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन भले आपने सॉल्व कर लिए, आंसर चेक कर लिए हो, उसके बाद भी जब आप सॉल्यूशन की टेक्निक देखेंगे तो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि क्या क्या एरियाज हैं जिसको किस ढंग से इंप्रूव करना चाहिए, वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे.